अस्सलाम वालेकुम लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल नाजूस किचन। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। खीर के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए यहाँ पर दूध। 3 लीटर हमने यहाँ पर दूध लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर 1.5 डब्बा जो है वो चावल लिए हैं, ठीक है। चावल को हमने जो है वो चॉप कर लिया है, ठीक है, ग्राइंड कर लिया है। तो ये बिल्कुल देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक से हमारे पास चावल है, सही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए, हमने शान का पैकेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप शान यूज़ करना चाहें फॉर द फ्लेवर तो आप कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर शान नहीं होगा तो भी खीर बनने के, लेकिन हम फ्लेवर के लिए शान को ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खोया नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप लजीज़ा का जो है खोया कुल्फा जो है इसका पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रेसिपी के साथ बताऊँगी, हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑफ लजीज़ा का कुल्फा खोया ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे साबूदाना चाहिए, हम यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ऑफ साबूदाना लेंगे। इसके अलावा हमें शुगर की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज के डब्बे में इतनी शुगर नहीं होती कि इतनी जल्दी खीर जो है वो मीठी हो सके, दैट इज़ वाई, ठीक है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने दूध को जो है बॉइलिंग के लिए रख दिया है, दूध हमारा बॉयल हो जाएगा, इसके बाद हम फर्दर रेसिपी की तरफ मूव होंगे। दूध में जो है जोश आ गया है थोड़ा, अब हम इसके अंदर जो है वो चावल ऐड करेंगे अपने, ठीक है। चावल इसी के अंदर जो है वो नरम हो जाएंगे, उसको हम थोड़ा 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, इसके बाद फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं चावल डाले हुए, अब हम इसके अंदर जो है वो शान का पैकेट डालेंगे। शान का हमने खीर का पैकेट ऐड किया है, अब हम ऐड करेंगे साबूदाना। डेढ़ चम्मच ऐड करेंगे हम, ठीक है। और हम ऐड करेंगे हमारे लजीज़ा का खोया मिक्सचर जो है कुल्फे का, उसके 3 टेबल स्पून। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये हमारी लगे ना, मुस्तकिल चम्मच हिलाते ना। अब हम खीर को जो है वो गाढ़ा होने के लिए, मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर जो है हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। वक्फे वक्फे से चम्मच जो है वो हिलाते रहें। हम इसके अंदर एक प्यारी जो है शुगर ऐड करें, इसमें तकरीबन 10 से 15 चम्मच चीनी के हैं, एक प्यारी में 10 से 15 आएगी, ठीक है। ये देखें हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो गई है अच्छी खासी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जो है लिक्विड में रखना चाहते हैं या बिल्कुल गाढ़ा करना चाहते हैं। मैंने उसको गाढ़ा किया है क्योंकि मुझे गाढ़ी खीर जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम अपना स्टोव ऑफ कर देंगे और इसको जो है प्रेजेंटेशन डिश के अंदर निकाल के फिर गार्निशिंग की तरफ जाएंगे। गार्निशिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ज़ाफ़रान है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पिसे हुए बादाम पिस्ते और अखरोट है, और हमारे पास यहाँ पर चांदी के वर्क हैं, और हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंकल्स हैं चॉकलेट के, ठीक है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे चांदी के वर्क जो है वो करते हैं। ये देखिए इस तरह के होते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। नज़र आ रहे हैं आपको चांदी के वर्क, आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। हल्का सा ज़ाफ़रान जो है स्प्रिंकल करके डाल दें, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि इसको फिर है ना कड़वाहट ना आ जाए खीर में हमारे। हम स्लाइटली सा जो है वो ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, बादाम पिस्ते हम ऐड करेंगे अपने पिसे हुए, और थोड़ी से हम जो है लुक्स के लिए चॉकलेट जो है स्प्रिंकल करेंगे। और ये हमारी झटपट सी जो है वो खीर रेडी हो गई है। रेसिपी पसंद आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि झटपट सारी रेसिपीज आप तक फौरन पहुंच जाएं। बहुत जल्द एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आके आपसे मिलूंगे। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।